हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉक्स एंड्रॉइड। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि जो लोग अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, तो उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? अपनी फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप को डिवेल्प करना। तो आज की वीडियो इसी चीज़ पर रहने वाली है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप एक्सपीरियंसड हो, आपने कुछ भी कर रखा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप ये इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पर अगर आप एक बिगनर हैं, राइट, आपने बिल्कुल, आपको ABC कुछ भी नहीं पता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, और आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, तो दिस इज़ द वीडियो। इस वीडियो को आखिर तक देखो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने फिजिकल डिवाइस में एक ऐप बना के इंस्टॉल कर चुके होंगे, राइट, दैट इज़ माई प्रोमिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, राइट। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बिगनर हो, तो यू डेफिनेटली नीड टू वॉच मोर वीडियोस, राइट। तो वो नोटिफिकेशन आपको कैसे आएगी? सब्सक्राइब करते वक्त उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन, आप उसको प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आती जाएगी, राइट। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर ही, और वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, समझ लगेगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या चाहिए होगा ये ऐप को बनाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, दैट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले आपके PC में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अब कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों ने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो, कुछ के PCs में ये सॉफ्टवेयर नहीं भी होगा, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे आप एक आई बटन देख रहे हो, इस आई बटन पे जाओगे तो उसमें एक वीडियो रहेगा, उस वीडियो को जाके देखो। 5-5.5 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, राइट। वो सारे स्टेप्स मैंने वहाँ बताए हुए हैं। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो देख के आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस वीडियो को आप यहाँ से रेज्यूम कर लेना, राइट। तो अभी मैं लेट कर रहा हूँ कि आपने अपने PC में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, अगर इंस्टॉल्ड नहीं था, और अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम आगे बढ़ते हैं। दी सेकेंड थिंग इज़ एंड्रॉयड डिवाइस। आपको कोई एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसको एम्यूलेटर में, मतलब PC में एक मोबाइल बना के उसमें इंस्टॉल करें, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट ऐप है। तो आई वॉन्ट टू गिव यू अ रियल एक्सपीरियंस, कि आपको कुछ लगे कि हाँ यार, हमने एक ऐप बनाई और उसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया, इसलिए आपको एक एंड्रॉयड डिवाइस चाहिए होगा। थर्ड थिंग इज़ USB केबल। अब आपके PC है, PC में आपने ऐप बनाई, उसको मोबाइल में डालना है तो कैसे डालोगे? एक USB केबल चाहिए होगी, जो कि कम्युनिकेशन का काम करेगी आपके PC और आपके मोबाइल के बीच में, राइट। तो आई होप कि अब आपके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दीज आर द रिक्वायर्ड टूल्स, यही चाहिए था अपने आपको बस। तो अब हमारे पास ये सब है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंड्रॉयड स्टूडियो में, राइट। तो चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने के बाद कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, राइट, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करना है आपको, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नाम देना है। यहाँ पे ऑलरेडी माई एप्लीकेशन लिखा होगा, तो मैं इसको चेंज करके माई फर्स्ट ऐप कर देता हूँ, माई फर्स्ट ऐप, राइट। यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे, फिर फिनिश पे क्लिक करेंगे। ओके, फिनिश पे क्लिक करते ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, राइट। इसमें कुछ टाइम लगेगा, आई गेस 3-4 मिनट लगेंगे, और आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये बिल्ड हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे, इफ आई जस्ट क्लोज दिस, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ग्रेडल बिल्ड आ रहा है, राइट। क्योंकि ये हमारा जो एप्लीकेशन का जो ये प्रोजेक्ट है ना, इसको बिल्ड कर रहा है। फर्स्ट टाइम बिल्ड होने में इसको कुछ टाइम लगता है, हो सकता है इससे 2-3 मिनट लगेंगे, राइट। तो अभी जब तक ये बिल्ड होगा मैं इसको स्किप करूंगा, और जैसे ही बिल्ड कंप्लीट हो जाता है
तो मैं वापस वीडियो को रिज्यूम कर लूँगा वहाँ से। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माय फर्स्ट ऐप का जो बिल्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप ब्लू टिक देख सकते हैं, जैसे ये ब्लू टिक आ जाएगी दैट मीन्स आपका बिल्ड कंप्लीट हो गया। इट रफली टुक 1 मिनट 15 सेकेंड्स, तो 1.5 मिनट, 1 मिनट से 1.5 मिनट लगेगा इसमें, राइट। तो हमने अपना जो पहला प्रोजेक्ट है, फर्स्ट स्टेप है, वो कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। स्टेप टू इज डिजाइनिंग द ऐप। अब यहाँ पे हम कुछ व्हाट्सएप या फेसबुक तो बनाने नहीं वाले, क्योंकि पहली ऐप है तो हम बिल्कुल बेसिक ऐप बनाएंगे। तो किसी भी कंप्यूटर साइंस में जब भी हम कोई नया कुछ सीखते हैं, पहली बार कुछ कोड करके उसको रन करते हैं, तो क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड, राइट। हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करवाते हैं। कभी भी हमने सी लैंग्वेज सीखी है, कुछ भी किया है, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली हेलो वर्ल्ड तो नहीं, पर वैसा ही कुछ बेसिक सा डिज़ाइन करेंगे और उसको फिर मोबाइल पर रन करके देखेंगे। तो चलिए ऐप को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये आपका बैक एंड फाइल है, डॉट जावा फाइल है, और यहाँ पे एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल दिखेगा, राइट। ये फ्रंट एंड है, यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे, हमें जावा कुछ नहीं करना। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आप अगर आओगे तो ये कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी आपको, राइट। यहाँ पे आपको हेलो वर्ड दिखेगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्प्लिट का बटन रहता है, इस स्प्लिट पे क्लिक करना है। स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, टेक्स्ट व्यू, राइट। तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ड को चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको हेलो वर्ड फाइंड करना है। यहाँ पे टेक्स्ट में से हेलो वर्ड लिखा होगा, ऐसे सिलेक्ट करके इसको हम चेंज कर देंगे, रे माय फर्स्ट, राइट। ये टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ पे इंटर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं टेक्स्ट साइज टेक्स्ट टाइप करूँगा, तो इंटेलिजेंस से ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। टेक्स्ट साइज पे जाके टैप प्रेस करेंगे, ओके। अब इसका साइज हम चेंज कर देंगे, इसको मैं करता हूँ 25 dpi। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया, इसका साइज अब अच्छे से दिख रहा है। तो दिस वॉज द डिज़ाइनिंग पार्ट। आई नो ये हमने कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं बनाई है, बट बींग अ बिगनर ये भी अच्छा है, राइट। आपने पहली बार यहाँ पे कुछ चेंज किया तो आपको थोड़ा ऐसा फील आएगा कि हाँ जी हमने कोई डिज़ाइन में चेंज किया। तो सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है, अब इस एप्लीकेशन को आपको मोबाइल में रन करना है, बट उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में एक USB डिबगिंग मोड होता है, उसको ऑन करना पड़ता है। ये मोड जब तक आपके मोबाइल में ऑन नहीं होगा, आप एंड्रॉयड स्टूडियो से अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आपके मोबाइल में ये मोड ऑन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ऑन है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। इस पर मैं अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बना चुका हूँ, राइट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, राइट। डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। कुछ 1.5 मिनट का वीडियो होगा, बड़ा ही इजी स्टेप है, आप उसको देखिए, अपना जो USB डिबगिंग मोड है उसको ऑन कर लीजिए। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, राइट। अब आपने डिबगिंग मोड ऑन कर लिया, अब आप USB केबल लीजिए, अपने मोबाइल में प्लग इन कर लीजिए, और इधर लैपटॉप है या PC है उसके USB पोर्ट में प्लग इन कर लीजिए, राइट। मैं भी अपना मोबाइल अभी कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही से मोबाइल कनेक्ट किया है या नहीं। सो लेट मी कनेक्ट माई सेलफोन। ओके गाइस, तो मैंने अपना जो डिवाइस है वो कनेक्ट कर लिया है, राइट। डिवाइस कनेक्ट करने के बाद आपको अगर यहाँ पे देखोगे, जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे आपको कुछ चेंज दिखेगा। पहले यहाँ पे कुछ और लिखा आ रहा था, पर अभी यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 5 Pro लिखा आ रहा है, क्योंकि मेरा मोबाइल कौन सा है, Xiaomi Redmi Note 5 Pro। तो जो भी आपका डिवाइस होगा वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। अगर वो डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा है, दैट मीन्स आपने डिबगिंग मोड ऑन कर लिया है, और दूसरा आपका मोबाइल कनेक्ट हो गया आपके लैपटॉप के साथ। इसमें एक और प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है आपने डिबगिंग मोड भी ऑन कर दिया है, कनेक्ट भी कर लिया USB केबल से, फिर भी शो नहीं हो रहा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके डिवाइस का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर वो ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बिना भी आपको ये डिवाइस यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आई होप आपको ये डिवाइस यहाँ पे दिखने लग जाएगा। उसके बाद ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्ले बटन है, इस प्ले बटन पे क्लिक कर देंगे।
जैसे ही इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे आप नीचे देखेंगे ग्रेडल बिल्ड रनिंग आ जाएगा, राइट, ग्रेडल बिल्ड रनिंग। अब यहाँ पे बिल्ड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉप, तो यहाँ पे बिल्ड दैट मीन्स हमारी ऐप को बनाना शुरू कर दिया है इसने, राइट। हमने कोड लिखा है, अब बिल्ड करने का मतलब उसको बना रहा है ये ऐप को, राइट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, आपका जो डिवाइस है, आपका जो सेलफोन है, वो अनलॉक्ड रहे, वो लॉक ना रहे। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ सेलफोन्स में क्या होता है कि सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। अगर आपका फ़ोन लॉक्ड है तो वो अलाउ नहीं करता किसी एक्सटर्नल डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए। एंड द सेकंड मेन रीज़न इज़ फर्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट के लिए वो परमिशन पूछता है, राइट। वो परमिशन मांगता है आपसे, अभी मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगा, वो परमिशन मांगेगा। आप देख सकते हैं अभी आपको मैं स्क्रीन पे मोबाइल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे मुझे इंस्टॉल पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया मैंने, साथ में डिनाई का बटन था, वो ऑटोमेटिकली डिनाइड हो जाता है आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। नाउ ऐप इज़ इंस्टॉल्ड, आप मेरे डिवाइस पे देख सकते हो जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया था, हुर्रे माई फर्स्ट ऐप। ऊपर हमारा जो नाम लिखा आ रहा है ऐप का, माई फर्स्ट ऐप करके, राइट। तो यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट ऐप को बना लिया है एंड्रॉयड स्टूडियो में, उसको डिवाइस पे रन कर लिया अपने फिजिकल डिवाइस पे, राइट। तो हमने बहुत ही सक्सेसफुली आई गेस इसको बिल्ड करके अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया है। तो यार अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट में डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको कुछ बात करनी है मेरे से, यहाँ पे कमेंट करके नहीं पूछना है, तो आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है, राइट, उसका वो आ रहा होगा, यूज़र नेम आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, वहाँ DM कर दीजिए मुझे, मैं वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बता दो यार क्या अच्छा क्यों नहीं लगा है। और राइट, तो जैसे आप लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट में नए हो, ऐसे मैं अभी यूट्यूब पे 2-3 महीने से ही हूँ अभी, राइट। एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो मैं 7 साल से कर रहा हूँ, पर यूट्यूब पे नया हूँ, तो जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए यार इस चैनल को, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ इस पर, और आने वाले टाइम में रेगुलर कंटेंट डालता रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, आई प्रॉमिस कि आपको मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दूंगा, राइट। तो चलिए आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।